सो so, आज हम लोगों ने जो अपना लेक्चर स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह करते हैं स्टार्ट करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू कोम टेस्ट कोम टेस्ट क्या होता है कोम टेस्ट का दूसरा नाम होता है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बच्चों किस किस को आवाज कट रही है आवाज नहीं आ रही आपको मेरी मैं लाइट लाइट से कट रही है क्या हुआ बच्चे हल्की हल्की कट रही है तो चलो हल्की हल्की के साथ गुजारा हो जाएगा जहां समझ ना आए वहां पे आप लोग अगेन से पूछ सकते हो कुछ नहीं होता अच्छा आज हम लोगों ने बेसिकली जो पढ़ना है दैट इज is... बहुत ही ज्यादा खराब हो गया अभी ज्यादा ही खराब हो गया अच्छा हम लोग आवाज सही आ रही है सबको मेरी yes, चलें ठीक हो गया जहाँ पे खराब हो गई मुझे बता दीजिएगा तो हम लोगों ने आज जो पढ़ना है दैट इज कोम स्ट्रेस और कोम स्ट्रेस का दूसरा नाम होता है एंटी ग्लोबलिन टेस्ट एंटी ग्लोबलिन क्या होती है बच्चों एंटीग्लोबलिन क्या होती है ग्लोबुलिन क्या होती है प्रोटीन एंटी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट होना तो ऐसी ग्लोबुलिन uh, टेस्ट क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट या फिर ग्लोबुलिन जो प्रोटीन जो बेसिकली ही होती है हमारे केस में तो उनके अगेंस्ट क्या होता है एंटीबॉडीज वगैरह को डिस्कवर हम लोग कर रहे होते हैं इस टेस्ट के थ्रू एंटीग्लोबलिन टेस्ट तो एंटीग्लोबलिन टेस्ट या फिर टेस्ट बेसिकली है क्या इट वॉज डिस्कवर्ड एट ऑल इन 1945 अब बेसिकली ये होता है क्या और किस लिए करते हैं ये हमारे पास ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग अगर ज्यादा ब्रॉडली बात करें या टू पॉइंट बात करें तो हम लोग कहेंगे कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बना रहा होता है हमारी ब्लड सिस्टम को लेके हम लोग उनको इसमें ही डिस्कवर कर उनको इसमें क्या कर रहे होते हैं डाइग्नोज कर रहे होते हैं अब इसमें क्या होता है एंटीडी एंटीबॉडी या फिर आर एस एंटीबॉडीज की बेसिकली ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है लेकिन एज वेल एज इसके अलावा भी क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे आरबीसी हैं उनके सरफेस पे जो एंटीजेंस मौजूद हैं उन एंटीजेंस के अगेंस्ट अगर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज वगैरह बना दी हैं इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना दी है तो उनकी क्या कहते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन को हम लोग जिस टेस्ट के जरिए से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसे हम कोम टेस्ट या फिर एंटीग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं अब एक बात हम लोग बड़ी देर से करते आ रहे हैं वो ये है कि ए बी ओ एंटीबॉडीज क्या हैं वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज हैं वाइल्ड आर एच एंटीबॉडी इज नॉट द नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी मीन टू से के नेचुरली अकरिंग ए बी ओ एंटीबॉडीज हैं तो नेचुरली जो हमारा क्या होता है कि बॉडी का सामना होता है किनके साथ

तो मेरी बॉडी उसके केस क्या करेगी एंटीबॉडीज बना देगी अब वो क्या करेंगी? Life, अगर कभी अला ना गलत हो जाए तो वो क्या एंटीबॉडी एंटी नहीं है वाइस सो बिकॉज हमारे पास नेचर में कोई ऐसा एंटीजन नहीं है जो कि आर एस एंटीजन या फिर डी एंटीजन के साथ क्या है रिजेम्बलेंस रखता हो जब उसके साथ रिजेबलेंस नहीं रखता तो इस केस में क्या होगा के ये एंटीबॉडीज नेचर में नहीं पाए जाएंगे तो लेकिन अगर किसी ना किसी वजह से क्या हुआ कि बॉडी का एक्सपोजर होगा विद एंटीजन लेकिन बॉडी क्या थी डी नेगेटिव थी बॉडी क्या थी आर नेगेटिव थी उसमें डी एंटीजन मौजूद नहीं था तो इन दैट केस क्या होगा इन दैट इंस्ट्रांस ये होगा कि बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी एंटीबॉडीज बना देगी तो एंटीग्लोबलिन या फिर कुम स्ट्रेस में क्या कर रहे होते हैं हम लोग आरएच सेल के जो एंटीजन हैं उनके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज को दे कैन बी एलो एंटीबॉडीज एंड दे कैन बी ओटो एंटीबॉडीज ये उनको डिटेक्ट कर रहा होता है कुम स्ट्रेस इवन आपको याद होगा कि जब हम लोग क्रॉस मैचिंग का प्रोसीजर पढ़ रहे थे उस टाइम टाइम पे भी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था डी ए टी याद है थोड़ा बहुत आपको कि हम लोग जब क्रॉस मैचिंग का प्रोसीजर कर रहे होते हैं हम डिफरेंट तरीके हम लोगों ने पढ़ा था और उनमें से एक जो तरीका हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि लास्ट स्टेप में आके हम लोग डायरेक्ट एंटी टेस्ट कर रहे होते हैं डी ए टी कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है वो बेसिकली इस चीज को देखने के लिए हो रहा होता है कि बॉडी किसी में किसी किस्म की ऐसी एलो है या फिर ऑटो एंटीबॉडीज तो नहीं मौजूद जो कि बॉडी को हार्म कर रही हो इज दैट क्लियर यस मैम अच्छा बच्चों आज मेरे गले में काफी ज्यादा दर्द है बोलने में काफी दुश्वारी हो रही है लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझे बता दे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बोलूं लेकिन बोला जा नहीं रहा आज मुझसे तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है इसमें प्रिंसिपल ये है कि आरबीसी जो कि को, कोटेड हो जाती है आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर एंटीबॉडीज या फिर अटैच हो एंटीबॉडी लेकिन है, वो एक बड़ी है, IgG, जो कि क्या है छोटी एंटीबॉडी है और वो थोड़ी क्वांटिटी में उसके पास इतनी ज्यादा सलाहियत नहीं होती है कि वो सेल्स को एग्लूटिनेट करवा दे डू यू रिमेंबर याद है आपको ये बात IGM होती है और हमारे पास क्या है दूसरी वाली मोनोम आपको तो सम सम हमारे पास जो आरबीसी है इन समीशन उनकी सर्फिस पे ऐसे एंटीजन मौजूद होते हैं जो के अट्रैक्ट करते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज को और कंप्लीमेंट को वो कैसे करेंगे जब वो उनकी साथ उनकी कंपेटिबिलिटी होगी जब वो एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस के साथ अटैच होंगे जब वो एंटीबॉडीज क्या है उन एंटीजेंस के गेस बनी होंगी तो उन केस में क्या होता है कि आरबीसी तो सेंसिटाइज हो गया उनके सर्फिस के ऊपर वो एंटीजन मौजूद है लेकिन इस टाइम पे ये एबिलिटी नहीं है उस एंटीबॉडीज के पास या फिर उस कम्प्लीमेंट सिस्टम के पास कि वो क्या करे एग्लूटिनेशन करवा दे डायरेक्टली खुद क्या है एग्लूटिनेशन वो नहीं करवा सकते तो इन केस में हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हम लोग स्ट्रेस कर रहे होते हैं अब यहाँ पे एक वर्ड uh, यूज हो रहा है सेंसिटाइज सेल अब वो सेल जिनके सरफेस पे कॉम्प्लीमेंट या फिर एंटीबॉडीज अटैच होती हैं उनकी सरफेस पे या फिर कोई खास किस्म का कोई एंटीजन अटैच होता है जो कि आपके डिजायर्ड एंटीजन या एंटीबॉडी या फिर कॉम्प्लीमेंट है तो उन सेल uh, को हम लोग क्या कहते हैं सेंसिटाइज सेल उन सेल को हम क्या कहते हैं सेंसिटाइज्ड सेल्स तो इन सेंसिटाइज्ड सेल का मकसद क्या है उसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे अब यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देखा अभी -अभी कि नहीं हो रही है कॉम्पलीमेंट बजाते भी, अगर इतनी क्वान्टिटी में नहीं है या फिर कुछ ऐसा कंडीशन हमारे पास है बॉडी में तो वो एग्लूटिनेशन नहीं कर पा रहा तो इन दैट केस अगर आपको पता चल आप ये पता चलाना चाह रहे हो कि सेल क्या है सेंसिटाइज है कि नहीं है तो आप ऐसी एंटीबॉडी यूज करोगे या कुछ ऐसा कंपोनेंट यूज करोगे जो कि अगेंस्ट दैट एंटीबॉडी होगा और या फिर दैट कॉम्प्लीमेंट होगा तो इन आर क्रॉस मैचिंग प्रोसीजर हम लोग एक रिएजेंट का नाम पढ़ के आए हैं जो कि एंटीबॉडीज के, के खिलाफ होता है उसका नाम क्या था एएचजी एएचजी रिएजेंट अब एएचजी का मतलब क्या है यानी kind of कि कि जो के अंदर मौजूद है, अगर वो RBC के ऊपर के है, भी, तो वो वो क्या करेगा? वो ये करेगा ये कि ह्यूमन ग्लोबुलिन उसके साथ बाइंड करेगी और इसकी क्या करवा देगी एग्लूटिनेशन ये हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं तो इसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ये सारा का सारा प्रिंसिपल था इसके आ, हमारे पास कोम स्ट्रेस का ये आपको समझ आ गया इन शॉर्ट ऐसे सेल जिनके पास एबिलिटी नहीं है लेकिन वो सेंसिटाइज है सेंसिटाइज आर द सेल जिनकी सरफेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर क्या है कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई खास किस्म का एंटीजन जो का आपका रिक्वायर्ड एंटीजन है वो अटैच है उसकी सरफेस पे लेकिन वो वो सेल में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एग्लूटिनेट हो सके बिकॉज वो एंटीबॉडी या फिर वो मेंट में इतनी बेलिटी नहीं है या वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो बजाते खुद एग्लूटिनेशन नहीं करवा पा रहा तो उसको हम लोग फर्दर डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एच जी रेडेंट तो उससे हम ये सारा प्रोसीजर को हम लोग जैसे परफॉर्म कर रहे होते तो हैं हम कहते हैं एंटीग्लोबल या फिर कोम टेस्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या कर रहा होता है ये हमारे पास एलो एंटीबॉडीज या फिर ऑटो एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है अब इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं वन इज द डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट अब इन दोनों में जब आपको फर्क समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली सारा का सारा टेस्ट है क्या डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट क्या होगा कि आरबीसी के सर्फेस पे ऑलरेडी आपका रिक्वायर्ड एंटीजन या फिर आपके रिक्वायर्ड एंटीबॉडी या फिर आपका रिक्वायर्ड जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसकी सर्फेस पे अटैच है अब बच्चों एक दूसरी बात अपने कान को खोल के सुने जरा और अपने दिमाग की बत्तियां खोल के समझे के अगर हम लोग एक एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी तो क्या जो एंटीबॉडी सेल के सरफेस के ऊपर अटैच है उसके उसे हम एंटीजन कह सकते हैं क्या हम उसे एक एंटीजन कह सकते हैं डिजायर्ड एंटीजन जिसको हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं हेल्प ऑफ एच जी Yes or no? बोले कह सकते हैं ऑब्वियसली कह कहने में हर्ज नहीं है बिकॉज इज द रिक्वाड वो एंटीबॉडी आपका रिक्वायर्ड एंटीजन है जो की आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट में क्या होगा कि अगर वो ऑलरेडी सरफेस पे मौजूद है वो एंटीजन जिसे आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो तो सेंसिटाइज सेल की ऑलरेडी जो बॉडी के अंदर रहे हैं, इंट्रा आ, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी सेंसिटाइज सेल हैं, उनकी डिटेक्शन को हम लोग जिस मेथड से डिटेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट डायरेक्टली आप उस आ, एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपका रिक्वायर्ड एंटीजन आपकी सीरम के अंदर मौजूद होता है लेकिन दैट इज नॉट बाउंड विद द RBC, वो RBC के साथ बाउंड फॉर्म में नहीं होता तो उस केस में आप आप क्या करोगे आप पहले आउटसाइड द बॉडी आप क्या करोगे आप उस एंटीजन को या फिर वो एंटीबॉडी को या फिर जो भी है आपका रिक्वायर्ड आप उसको पहले सरफेस के साथ आरबीसी के सरफेस uh, के साथ अटैच करवाओगे एंड आफ्टर ये आप अपने बॉडी के बाहर ये प्रोसीजर करवा रहे हो यानी कि जब आप सेंसिटाइज सेल आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस कर रहे हो आप अपना रिक्वायर्ड एंटीजन जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो आप उसको अटैच करवा रहे हो विद द ऑफ आरबीसी आउटसाइड बॉडी तो उससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो आप पहले उसको अटैच करवा रहे हो और इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो उस एंटीजन को इज दैट क्लियर यानी कि सेंसिटाइज ऑलरेडीटाइज सैल्ड जो कि बॉडी से आए हैं उनकी उनको जो लेके हम लोग प्रोसीजर करें वो डायरेक्ट है और जिनको हम खुद सेंसिटाइज करवा रहे हैं आउटसाइड द बॉडी उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या फिर इनडायरेक्ट टेस्ट या फिर आईसीटी ओके okay हो गया इज दट ओके ओके हो गया अच्छा चलें ठीक हो गया अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टॉक अबाउट डी डायरेक्ट कूम टेस्ट अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी अभी हम लोगों ने बात कही आरबीसीडीटाइज है तो इसमें हम क्या करेंगे हमारे पास क्या होगा लेट्स सपोज एंटीबॉडी है है जो कि ऑलरेडी आरबीसी के के सरफेस साथ अटैच तो हम लोग उस सेल को आइडेंटिफाई करेंगे उसके सरफेस के ऊपर मौजूद जो हमारे पास लेट्स सपोज एंटीडी एंटीबॉडी है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे अब उसका सारा प्रोसीजर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंटीडी अटैच है आरबीसी के सरफेस uh, पे ऑलरेडी बॉडी के अंदर अब उस केस में आप जो परफॉर्म करोगे प्रोसीजर उसे हम डीसी कहते हैं अब ये हमारे पास किस किस कंडीशन में आप डीसी करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबोर्न जो कि हम लोग काफी देर से बात करते आ रहे हैं या फिर इसको हम लोग भी कहते हैं नंबर पे हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं लाइक like पर्सन था नेगेटिव आर एच नेगेटिव लेकिन उसको ट्रांसफ्यूजन आर एच पॉजिटिव की हो गई है इवन फॉर द सेकेंड टाइम भी फर्स्ट पे तो रिएक्शन नहीं आएगा बिकॉज एंटीबॉडी anti क्या है एंटीडी एंटीबॉडी नेचुरली एंटीबॉडी नहीं है लेकिन अगर टाइम पे आपने ट्रांसफ्यूजन की है तो उस टाइम पे रिएक्शन आएगा दूसरा ये कि आप किसी किस्म की ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से आरबीसी सेंसिटाइज हो रहे हैं या फिर आपको कोई इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपकी बॉडी ने अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट क्या है एंटीबॉडीज बना दी हैं और वो आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो उन केसेस में भी उन ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप डी करोगे यानी कि एनी काइंड ऑफ कंडीशन इन विच योर आरबीसी गेट सेंसिटाइज इन साइड योर बॉडी तो उसके लिए आप क्या करोगे डी करोगे So, इसका प्रोसीजर क्या है आपने पर्सन का ब्लड लेना है और उसके बाद आप क्या करोगे उसके जो सेल्स हैं आपने जो उसका ब्लड लिया आपने उसके सेल लेनी है आरबीसी लेनी है उनके आरबीसी को क्या करना है आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है वॉश करने के बाद आपने उसको क्या करना है उसको एंटी ह्यूमन ग्लोबलिंग यानी कि एच जी रिएजेंट यहाँ इसको हम इसे हम कूम्स रिएजेंट भी कहते हैं इस रिएजेंट के साथ उसको क्या करना है इंक्यूबेट करना है देन आपने ऑलमोस्ट कोई दो से तीन ऑलमोस्ट तीन दफा क्या करते हैं नहीं सॉरी 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 जब हम लोग आरबीसी सी वॉशिंग कर रही है उस टाइम पे आपने ऑलमोस्ट कोई तीन दफा वॉशिंग करनी होती है वॉशिंग करने के बाद आपने क्या करना है इसमें अंदर जो आपके वॉश सेल है आपने उसके अंदर क्या करना है आपने उसके अंदर अपना रिएजेंट या फिर एंटी ह्यूमन ग्लोबलिन ऐड करना है एंटी ह्यूमन ग्लोबलिन ऐड करने के बाद देन आपने चेक करना है आफ्टर इंक्यूबेशन एंड सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपने चेक करना है किसी किस्म की एग्लूटिनेशन तो नहीं है या फिर हेमोलिसिस तो नहीं है तो अगर हेमोलिसिस या फिर एग्लूटिनेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि डीसीटी पॉजिटिव है और जो अभी अभी हम लोग कंडीशन देके आए हैं उनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है तो रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है डीसीटी में आपके पास रेस्ट्यूब होनी चाहिए यू हैव द सेंट्रीफ्यूज आपके पास एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन होना चाहिए आपके पास पाइपर्स होनी चाहिए टिप्स होनी चाहिए उनकी और आपके पास इंक्यूबेटर होना चाहिए तो आप क्या करोगे स्पेसिमल लोगे ईडी ब्लड लोगे टू एम और जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हो इसे हम कोम्स रिएजेंट या फिर एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन भी कहते हैं वो ये किस कलर में आता है भला ये किस कलर में आता है बच्चों एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट किस कलर में आता है ग्रीन कलर में और हमारे पास जो एंटी डी एंटीबॉडी